अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑर्बिट कॉलेज वीडियो सीरीज। आई एम आमिर सहेल। हम शुरू कर रहे हैं ईटा कोचिंग ऑन फिजिक्स। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये मैटर की एक बुनियादी प्रॉपर्टी है, एक खसूसियत है, जिसकी वजह से ये अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील करता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अपने ऊपर फोर्स फील करता है, महसूस करता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये खसूसियत जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज मैटर है। इट इजंट मैटर, यह मैटर नहीं है। चार्ज इज नॉट ए मैटर, चार्ज मैटर नहीं है, बल्कि ये मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर की एक प्रॉपर्टी है, जैसे हमारी प्रॉपर्टी है हम देखते हैं, हम सुनते हैं। अब ये देखना हम नहीं है, बल्कि ये देखना मैटर नहीं है। इसी तरह ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी मैटर नहीं है, बल्कि ये एक खास खसूसियत है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स फील करता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहले ये नाम रखे थे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, ये नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि चार्ज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी नहीं है। चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है या प्रोटॉन चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी है जिसका नेगेटिव नाम रखा गया है और वो प्रॉपर्टी है चार्ज। प्रोटॉन की एक प्रॉपर्टी है जिसका पॉजिटिव नाम रखा गया है और वो है चार्ज। चार्ज जैसे डिस्कस हुआ, चार्ज मैटर नहीं है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं चार्ज की, इससे हमें अंदाजा होगा कि चार्ज क्या चीज है। चार्जेस की ये प्रॉपर्टी है कि ये जब एक जैसे हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आपको पता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। किस लिए? टू गेन स्टेबिलिटी। नेचर में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है और अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करना चाहता है या रीगेन करना चाहता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, यानी वो एक्टिव हो जाता है। अब ये एटम और ये इलेक्ट्रॉन जो दोनों एक्टिव फॉर्म में है, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, एनर्जी को कम करने की तरफ जाएंगे और इक्विलिब्रियम को रीगेन करने की तरफ जाएंगे, तो इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो कैसे? देखिए, हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि लेट्स से पॉजिटिव हैं। जब यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्जेस पुट करेंगे, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। एंड यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हमारे पास यहाँ पर जो है यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। जब अगर हम एनर्जी को कम करना चाहते हैं, एनर्जी को कम करना चाहते हैं तो हमने डिस्टेंस को बढ़ाना होगा। ये इनवर्स रिलेशन है। अगर ये ज्यादा चाहिए, ये एनर्जी कम चाहिए तो ये ज्यादा चाहिए, आर को बढ़ाना होगा। जब चार्जेस के बीच में आप आर बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, मीन्स रिपेल करते हैं। इस तरह अनलाइक चार्जेस है, जब आप यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पुट करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ आर, ये माइनस इधर ट्रांसफर करें, माइनस ऑफ आर मीन्स यू इज प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ आप कह सकते हैं यू इज प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आपने एनर्जी कम करनी है तो फासला आपने कम करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। तो अगर एनर्जी कम करनी है तो आर आपने कम करना होगा, इसलिए आर जब कम होगा एक दूसरे के करीब आएंगे, करीब आएंगे तो मीन्स दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, चार्जेज आपको 1e के फॉर्म में मिलेंगे, 2e के फॉर्म में मिलेंगे, 3e एंड सो ऑन। q इज इक्वल टू ne, n इज एनी इंटीजर। n क्या है? ये इंटीजर है। आपको एक दूसरा वर्ड में अक्सर मिलता है इंटेग्रल मल्टीपल, चार्ज इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ e। ये e क्या चीज है? ये बेसिक चार्ज है, 1.602 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है, एलिमेंट्री पार्टिकल का। तो
इंटीग्रल का क्या मतलब है कि ये कोई इंटीजर होगा, 1, 2, 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 आर 0 एंड सो ऑन। तो ये कोई चार्ज, ये कोई नंबर होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल मींस मल्टीप्लाई होगा। चार्ज आपको 1.5 e नहीं मिलेगा, डेल्ट चार्ज नहीं होगा, 2.7 e नहीं होगा, 5.3 e नहीं होगा। चार्ज आपको पैकेट्स में मिलेंगे, चार्जेस आपको पैकेट्स में मिलेंगे। एक पैकेट होगा 1 e के बराबर, दो पैकेट्स होंगे 2 e के बराबर एंड सो ऑन। चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्जेस जितने यूनिवर्स में अल्लाह ने बनाए हैं उतने ही रहेंगे। अगर कोई एटम लूज करता है तो दूसरा गेन करता है, मीन्स जितने चार्जेस हैं उतने ही रहेंगे। चार्जेस ऑकर इन पेयर्स, मोस्टली अक्सर पेयर्स में होते हैं, जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव। जब आयंस बन जाए वो अलग बात है, लेकिन अक्सर आप देखें किसी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अक्सर पेयर्स में होते हैं। अच्छा, आपने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे? इसके लिए तीन तरीके हैं। आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ लें, रगड़ने से जैसे आप बालों में कंघी करते हैं तो जो कंघी है वो चार्ज हो जाती है, उसको फिर आप पेपर, जो पेपर के पीसेस के करीब ले आएँ तो उसको उठा रहता है, मीन्स कि यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स आ गया इन चार्जेस की वजह से। दूसरा तरीका है कंडक्शन के ज़रिए। आप किसी मेटल रॉड को या चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाते हैं और उसके साथ टच करते हैं, जब वो टच होंगे तो एक से चार्ज दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, दूसरे में चार्ज ट्रांसफ़र होगा, शिफ्ट होगा। तीसरा तरीका है बाय इंडक्शन। हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं देते दूर से, लेकिन करीब लेके जाते हैं, करीब लेके जाते हैं लेकिन इसके साथ टच नहीं करते हैं। अब ये नेगेटिव्स जो हैं, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव्स को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव्स इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे, मींस इस सरफेस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो दो तरीके हैं ये हम मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं, ये सिर्फ मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है, याद रखें। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज क्या है? द चार्ज विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी किसी प्रॉब्लम में आप जिस चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं वो सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसके जरिए आप सोर्स चार्ज की टेस्टिंग करते हैं। ये बहुत ही स्मॉल चार्ज होगा, बहुत ही स्मॉल चार्ज होगा, और इसको हम कन्वेंशनली रिवायती तौर पर पॉजिटिव लेते हैं, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। When a negatively charged object is brought in contact to a neutral object, it is discharged. जब हम किसी negative charged object को लाते हैं किसी neutral के करीब और उनका आपस में हम contact करते हैं, contact means conduction. तो जब conduction होगा तो इस neutral object पे कौन सा charge आएगा? तो इस पे वही charge आएगा जो यहाँ पर इस object के ऊपर है, क्योंकि यही charge transfer हो रहा है, इसलिए यहां पर नेगेटिवली चार्ज इसका आंसर है। इन इंडक्शन व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड इज ब्रॉट नियर टू ए मेटालिक स्फीयर इट इज डिस्चार्ज। अब इंडक्शन के बारे में आप बताएं कि जब हम इंडक्शन में किसी रॉड को किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब लाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये वाली स्टोरी होगी कि इसके सरफेस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि यहां पर चार्ज इंड्यूस हो रहा है, नेगेटिव को रिपेल कर रहा है और पॉजिटिव इस तरफ रह जाते हैं, तो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कंडक्शन में वही चार्ज आएगा जो चार्ज चार्ज ऑब्जेक्ट का है, इंडक्शन में अक्सर उसका उल्टा आता है। व्हेन ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड इट्स मास, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज देते हैं तो आप बताएं कि वो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा, कम होगा या उतना ही रहेगा? तो वैसे तो हमने कहा, हमने यहाँ पढ़ लिया कि चार्ज जो है ये मैटर नहीं है, तो फिर इससे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन चार्ज को जो कैरी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देंगे तो मींस इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का अपना मास है और वो है 9.11 × 10⁻³¹ kg। जितने इलेक्ट्रॉन्स गए इससे मल्टीप्लाई करो उतना मास बढ़ जाएगा, ऑल्दो ये बहुत कम है लेकिन मास में इंक्रीज आएगा। किस वजह से? चार्जेस की वजह से नहीं, इनके कैरियर्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4, वन पैकेट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज का एक पैकेट कितना होता है? 1 कूलम होता है,
इतना होता है, ये होता है, या ये सारे पॉसिबल हैं। तो वन पैकेट इज डिफाइंड अर्लियर कि वन पैकेट ऑफ चार्ज हमारे पास ई के बराबर है, चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल इधर नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो वो कितना था 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। ये इसके इसके बारे में क्वेश्चन ऐसा भी आता है, वन क्वांटम इज इक्वल टू, तो तब भी यही आंसर होगा, वन पैकेट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 5, इन कंडक्शन व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट रॉड इज ब्रॉट नियर टू ए वुडन ब्लॉक इट इज डैश्ड। जब कंडक्शन में हम किसी नेगेटिवली चार्ज रॉड को किसी वुडन ब्लॉक के करीब लाते हैं तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? तो यहां पर आपने एक और चीज को देखना है, वुडन ब्लॉक को हम कंडक्शन से चार्ज नहीं कर सकते, यानी चार्ज हम इसको नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर जवाब आएगा नॉट, इट इज नॉट चार्ज्ड।